group of companies. Last 35 years we are in Pakistan and 20 years in UAE. और हमारा बेस्ड ऑफिस कतर में भी है और हम ये सारा एच एयर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की प्रोडक्ट्स को ग्लोबली इंपोर्ट करके और GCC अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान में इसको बेचते हैं। वी आर बेस्ड दुबई, शारजा, अबू धाबी और हम जबल अली फ्री जोन में भी हमने अपना एक नेटवर्क किया है जो हमें ग्लोबल सप्लाई के लिए एक हब के तौर पे काम करता है। पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। हमें इस मार्केट को आगे जो क्योंकि अब ये एयर कंडीशनिंग जो है वो इज नॉट लग्जरियस, अब ये नेसेसिटी में आ जाता है। आपकी पूरी इन्वायरमेंट को, आपकी हर चीज़ को बड़ा वैल्यूज रखता है, तो लिहाजा इसमें अब ये नेसेसिटी का पार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जगह एयर कंडीशनिंग की और हमारे जिस एरिया में जो है एम्बिएंट टेम्परेचर आपको पता होगा सर्दी का जो सीज़न होता है बड़ा कम होता है, 3 से 4 महीने, तो लिहाजा इसके लिए बड़ी मार्केट है, बड़ा पोटेंशियल है, तो हमें इस पर काफ़ी काम करना है। हमें इसको मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा काम करना चाहिए कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगी, जो कि इस वक्त 70% मटेरियल हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हमें वो एक वो रोड मैप जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, कि जैसे ताकि हमारी कंपनी हमारा मुल्क ग्रो करे। देखें, किसी मुल्क की मईशत अच्छी होगी तो मुल्क अच्छा रहेगा, इस्तेहकाम रहेगा, लिहाजा हम चाहते हैं हमारी मईशत को हम स्ट्रॉन्ग करें। ये जो HVACR एक्सपो है, ये जो मुझे पता है कि पाकिस्तान में वेरी वेरी वाइटल एंड एक्सपेंसिव यानी हाई वैल्यूज़ और इसमें बड़ी वैल्यू शामिल है, बहुत अच्छे लेवल का एक्सपोजर होता है इसमें। ठीक है, इसमें पूरी दुनिया से हमारे प्रिंसिपल आते हैं। इसकी मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ये हमारा 28वां शायद एक्सपो है और मैं अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तान HVACR सोसाइटी को जिन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको रन करती और बड़ी खूबी के साथ इन्होंने ये अरेंजमेंट्स किए हैं। एक्सपो में अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो इसका ग्रोथ रेट एग्जीबिटर का बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक मैं निशानी बताना चाहता हूँ कि देखिए एग्जीबिटर कब इन्वेस्टमेंट करता है, जब उसको कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसके अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी है, हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है और आगे भी इस तरह HVACR सोसाइटी इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो इसमें बड़ी पाकिस्तान की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। हम जो कहलाते हैं ना HVAC की सुपर मार्केट कहलाते हैं, जिस तरह आपने कारपोर्ट सुना होगा, इम्तियाज सुपर मार्केट अंडर वन रूफ। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत तकरीबन 24 प्रोडक्ट्स हैं और हम दुबई बेस्ड हैं, इसलिए जितनी भी नई इनोवेशन जितनी भी नई प्रोडक्ट्स आती हैं तो हम उसको वहाँ पर लेके उसको ईजीली यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे का डिफरेंस है मगर आप 1.5 घंटे में पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। मैं पाकिस्तानी लोगों को, भाइयों को भी, बिजनेसमैनों को दावत देता हूँ कि दुबई में किसी किस्म का सेटअप करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और हमारी पूरी एक तरह की हम हाइपर स्टार है HVAC और MEP प्रोडक्ट के, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और हम नई प्रोडक्ट पे इस वक्त काम भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे अभी जिस तरह की नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है इंसुलेशंस में, पाइपिंग्स में, उसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं।